हेलो गाइस, यहाँ पर ना आप स्वीट देख रहे हो ना, ये वाली स्वीट है गुलाब जामुन जो कि हम लोग कल लेकर आए थे। और यहाँ पर है काजा जो हर जगह पर मिल जाता है। और ये है एक बोरलू, ये राउंड, ये अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। ये इस शेप का होता है और ये हमारे यहाँ पर मिलता है, और कहाँ पर मिलता मुझे पता नहीं है, ये पंजाब में तो ज़्यादा नहीं मिलता। और इसके अंदर ना इस तरीके की स्टफिंग डाली होती है, वो होती है चने की। चने को भिगोकर उसको फ्राई करते हैं, उसके अंदर गुड़ और इलायची डालते हैं। और ये काजा है, ये गुलाब जामुन। तो मैं लगी थी खाने, तो मुझे लगा मैं आपके साथ ये वाली स्पेशली स्वीट शेयर कर लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्वीट, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्वादिष्ट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी लंच मैं करने वाली थी, तो मुझे लगा स्वीट फिर मैं रात को नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि रात को मैं खाती नहीं हूँ मीठा। तो मुझे लगा चलो आपके साथ ही शेयर कर लेती हूँ। वैसे सब कुछ ख़त्म होने वाला ही था, यही पड़ा था, और ये दोनों चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम लोगों ने कल ही खा ली थी, कल जब लेकर आए थे। तो बस अभी मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर कर दूँ, और बाकी का ब्लॉग मैं शाम को शूट करूँगी। ठीक है, कैसे हो आप सब? मेरा पार्सल कल जो आया था, मैंने बताया था ना लास्ट परसों कल वाली वीडियो में, तो ये नेक्स्ट डे है। तो ये मैंने मंगवाए थे कुशन के कवर 5, और ग्रीन कलर है और क्रीम कलर, सब में ग्रीन कलर है। ये पूरा सेट मिला है मुझे, और प्राइस क्या है मुझे मुझे लगता 300 के अंदर अंदर 5 मिले हैं। मैं भी देखते हैं, तो मुझे 500 के अंदर अंदर मिले हैं 300। और फिर जो मैंने बाकी ऑर्डर किया था वो तो काफ़ी कुछ सामान जो था ना कैंसिल हो गया। तो ये मुझे, मैं आपको प्राइस बता देती हूँ क्योंकि बाद में फिर प्राइस के लिए कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये मुझे मिले थे 259 में, 259 5 का सेट। और मेरे लिए तो चादर आ गई थी, बट मेरे बच्चों के बेडरूम के लिए बेडशीट नहीं आई थी, तो फिर मैंने खुद से जाकर यहीं से परचेज कर ली ये वाली। इसमें ग्रे कलर है और डार्क ब्लू इस तरीके का प्रिंट है, देखिए ना। इसमें साथ में 2 पिलो कवर है। इसका मुझे प्राइस वगैरह कुछ नहीं पता है क्योंकि मैंने ऑफलाइन परचेज किया और बिल पे किया था मेरे हस्बैंड ने। और साथ में ये वाली एक बेडशीट, एक जो हमारा दीवान है ना, दीवान डाइनिंग एरिया के पास में रखा हुआ बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए, वो है। इसके साथ भी 2 पिलो है। और इसके जैसा एक और बेडशीट था, वो मैंने किसी को दे दिया। और साथ में मैंने लिया था सोफा कवर मैंने स्टैक कर लिया है, कभी देखा नहीं होगा शायद किसी के घर में। स्पेशली ये जो कलर है ना, मैंने सोच के लिया, यही कलर का मैंने ना ऑर्डर भी किया था जो मेरा कैंसिल हुआ, वहां पर मुझे मिल रहा था 750 में, बट कैंसिल हो गया, और वो भी 16 पीसेस का। और ये भी 16 पीसेस का मुझे ऑन ऑफलाइन मिला है 1250 में। बेडशीट का मुझे प्राइस इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं इसका, मैंने ये स्पेशली मैं लेने गई थी ना, इसलिए मैंने इसका पूछ लिया। तो बाकी मैं कर्टन्स भी दिखाती हूँ, मैं लाना भूल गई इधर, ठीक है। तो मैं लेकर आ गई हूँ कर्टन्स, ये वाले मेरे सोफे के साथ ना, सोफा कवर जो लिया उसके साथ मैच करके ही मैंने लिया था, जैसे कि मैंने ऑर्डर भी वैसे ही किया था, ये आ गया था ऑनलाइन वाला, बट सोफा कवर कैंसिल हो गया। तो ये मैंने लिए हैं पूरे घर के लिए, पूरे 6 है। और इसका प्राइस अभी मुझे ध्यान नहीं है। और
और ये पिंक वाला मैंने एक सेट मंगवाया सिर्फ मेरे बेडरूम के लिए, और इसमें ना पिंक मैंने थोड़ा सा लाइट कलर मंगवाया था क्योंकि मेरे जो बेडशीट का कलर होता है थोड़ा पिंक थोड़ा ब्लू इस तरीके के कलर होते हैं, तो मुझे ना मैचिंग करके बेडशीट के साथ कर्टन्स चाहिए होते हैं, जैसे कि बेडशीट अगर चेंज कर रहे हो साथ में कर्टन्स भी, नहीं तो कर्टन्स अगर नहीं भी चेंज करना है तो ना तो आपके जो बेडशीट बिछानी है थोड़ा बहुत कर्टन्स के साथ मैच होता होना चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ ये दो कितने के मिले थे, मुझे लगता 300 के बीच बीच में मिले होंगे, ये मुझे ये वाला ब्लू ना वन पेयर मतलब दो मुझे मिले थे 435 के, ठीक है, मतलब कि टोटल मुझे 6 पड़े थे 1305 रुपीस। और ये पिंक कितने के पड़े थे देखती हूँ मेरे को, तो इसी के जैसे मैंने वाइट कलर भी लिया है लेकिन उसको अभी ऑल्ट्रेशन नहीं किया तो वो हम लोग करेंगे बाद में जब मैं लगाऊंगी। और ये मुझे पड़ा था 1393 में, मतलब कि ये मुझे पड़े थे 600-700-800 तक, ये दो पड़े थे, नहीं नहीं एक ही, हाँ एक सेट में, एक सेट 400 में पड़ा था 392, मतलब 400 ही हो गया, ये भी वन पेयर था वन पेयर में दो, तो बाकी के जो वाइट भी वो भी उतने मतलब उतने ही प्राइस में थे जितने में ये। तो अभी मैं कर्टन्स लगा दूंगी, सोफा कवर मैं रात को लगाऊंगी सोने से पहले क्योंकि अभी जस्ट बच्चे कॉलेज से आए थे और उसके बाद आकर सो गए, तो अभी टाइम कितना हुआ 6:30 का, अभी सोए हुए हैं एक्सरसाइज किया आकर फिर सो गए, अभी उठेंगे 8:30 बजे, टाइमिंग ऐसे चलता रहता बच्चों का। और उसके बाद अभी मैं सिर्फ कर्टन्स लगाऊंगी, कर्टन्स लगाने के बाद जो सोफ़ा और मेरा बेडशीट है वो मैं रात को सोफा कवर रात को करूँगी, बेडशीट मैं कल सुबह दिवाली वाले दिन करूँगी, ये आज का ब्लॉग मैं आज रात को भेजूंगी, आज का मेरा होगा साथ में किचन क्लीनिंग का, वैसे किचन क्लीन है पर थोड़ा बहुत शेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद बच्चों की बेडशीट भी मैं सुबह बिछाऊंगी या रात को उठने के बाद बिछाऊंगी, तो आधा मतलब कि मैं आधा काम ना आज करके सो रही हूँ क्योंकि सुबह में फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। वैसे भी मैंने पूजा का सामान कुछ लेके नहीं आई हूँ, सिर्फ स्वीट्स वगैरह लेकर आए हैं अभी हम, फिर आते ही मैंने कपड़े चेंज किए और मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो आपको दिख रहा होगा मेरी आंखों में मैंने थोड़ा सा आज ना आई मेकअप किया था डिफरेंट स्टाइल से, इतना अच्छा नहीं हुआ बट थोड़ा सा मैंने चेंज किया था कि मुझे कर सीखना है। तो बस अभी मैं कर्टन्स लगाऊंगी, मैं बार बार बैठ रही हूँ बार बार उठ रही हूँ, तो अभी आप मेरा वीडियो एंजॉय करो। वैसे मैंने ये पूरा घर ना डस्टिंग वस्टिंग किया है सिर्फ कर्टन्स लगाने थे, तो मुझे था कि दिवाली से पहले एक दो दिन लगाऊंगी, तो ये तो लेट ही हुए और ऊपर से इसको ऑल्ट्रेशन भी करना था, तो बस और ना मैं नीचे फेंकते जा रही हूँ क्योंकि फ्लोर साफ है, और ये भी मुझे वॉश करने हैं, एक पानी में डालूंगी ये साफ हो जाएंगे इस तरीके के हैं क्योंकि अभी मैंने ना 1 month पहले ही वॉश किए थे कर्टन्स, तो इतने गंदे नहीं है बट मुझे चेंज करने इसलिए चेंज कर रही हूँ। और ये वाला डंडा मैंने सुबह साफ कर दिया था क्योंकि मुझे लगाना था, कलरफुल हो जाएगा आज। अच्छा लग रहा ना? There's not much to do when all I can is thinking about you. See?
talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget. बस ये ना last curtains रह गया, उसको लगा रही हूँ. उसका क्या, मैंने कैमरा बीच में बंद किया क्योंकि इसका ना स्क्रू ही नहीं खुल रहा. पता नहीं कितना ज़्यादा टाइट लगा था. बाकी सबका मैंने खोल लिया, इसका ही नहीं खुल रहा था. बहुत टाइट है. तो इसका जो मेरे हॉल का फाइनल लुक होगा ना सोफे कवर के साथ, वो आपको मैं दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. अभी फिलहाल मैंने पर्दे वगैरह लगाते हुए दिखा दिया है. अभी जाऊंगी मैं किचन में और दोपहर के मेरे बर्तन वगैरह पड़े हैं. जैसे कि मैंने बोला ना, हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे, काम था. और फिर आते वक्त अंधेरा हो गया, तो अभी हम लोग जाएंगे किचन में. इतना शुक्र है कि इसके समेत ना इसके अंदर चला गया हॉल के अंदर, नहीं तो मुझे अभी हस्बैंड की वेट करनी पड़ती. तो मैं ये लगा देती हूँ. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. You're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. आज ना छोटी दिवाली भी है, तो मुझे लगा साथ साथ में ना दिए भी लगा दूं. लेकिन बाहर तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बाहर तो नहीं रख सकती और गर्मी अंदर इतनी है, तो अंदर की तरफ ना मैं रख देती हूँ. मैंने ना इस तरीके से अंदर की तरफ रख दिया. बाहर तो हवा चल रही है, वो बुझ जाएगा. और मैंने विंडो भी ना बंद कर दिए पूरे. यहाँ पर देखिए, मैंने ना दो दिए इस तरफ जगा दिए, लगा दिए, क्योंकि आउटसाइड ना बहुत हवा चल रही है. और फिर मैंने जो विंडो के ग्लासेस वगैरह होते ना, वो भी क्लोज कर दिए. You're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well.
down beside you. I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I
that you're safe and that I'll see you soon. If I can lay down beside you, I will, I will, I will. हो चुकी है और ये जो मैंने किचन क्लीन की है ना, अभी डिनर नहीं मैंने बनाया, थोड़ा बाहर चली गई थी ना, तो अभी मैंने बर्तन वगैरह लंच के साफ भी किए थे, तो डिनर में हमारा कंफर्म नहीं रहता है हमें क्या खाना है, तो मैंने डोसा बैटर भी बना के रखा हुआ है, तो शायद मैं डोसा बनाऊंगी अपने लिए, तो मैंने भिगो दिया। हस्बैंड को पता नहीं अभी क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे मुझे लगता है, वो ज़्यादातर रोटी खाकर ही खुश होते हैं, तो उनको मैं रोटी बनाकर दूंगी, बच्चों के लिए मैगी। बस हो गया मेरा काम, और डिनर के लिए बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, तो मैं अपने लिए जस्ट अभी डोसा बना लूँगी और आपको मैं मिलूँगी कल के, अगर मैंने कल दिवाली का ब्लॉग शूट किया तो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह आज बहुत ज़्यादा कल काम होगा मुझे, दिवाली के दिए वगैरह लेके आने हैं घर, अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे दिए तो जलाने पड़ेंगे ना बाहर आउटसाइड, नहीं अगर हुआ तो भी मैं लेकर तो आ जाऊंगी, अगर होगा तो जला दूंगी, नहीं तो फिर अंदर थोड़े से दिए जला दूंगी, और मस्टर्ड ऑयल लेकर आना है, काफ़ी कुछ सामान लेकर आने वाला है कल मेरा मेरा, और अभी हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, कन्फर्म नहीं बोलूँगी मैं, जस्ट अभी मेरा क्लीनिंग हो गई है, सांस भी चढ़ रही है और मैं पानी पी लूँ, और आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वॉक में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, मैंने धनतेरस पर ना कुछ खरीदा था, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, वैसे तो मैंने बेडशीट वगैरह भी खरीदे थे, कुछ और भी खरीदा था, वो मैं अगर कल व्लॉग अपलोड करूंगी तो कल का अगर शूट करूंगी तो कल बताऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट कभी भी शूट करूंगी तो उसमें बताऊंगी, ठीक है, तो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जितना भी मेरा वीडियो था ना क्लीनिंग का, उस सब में मैं डाल दूंगी म्यूजिक, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने अपना जो माइक होता ना वो ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि ऑर्डर करने से अमेजोन पर अगर ऑर्डर करते हैं कभी कभार वापस सामान अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे लोकल मार्केट में जाऊँगी जिस दिन मेरे हस्बैंड के पास टाइम होगा, अभी हस्बैंड जाते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं होता, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, तो हमें टाउन जाना पड़ेगा, और यहाँ पे लोकल मार्केट जो मेरे घर के पास है वहाँ पर मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं है कौन सा लेना, मुझे देखकर वैसे ही लूट लेते हैं,
कोई भी पकड़ा देते हो उठा के, तो बस वही लूंगी। तब तक के लिए मैं वॉइस ओवर देने से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को सुनाई तो देता नहीं, क्योंकि मैंने खुद का वीडियो अपने दूसरे फोन से, मेरे हस्बैंड के फोन से देखा तो मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने वॉइस इतनी कम है, तो मैंने फिर कमेंट बॉक्स में किया, बोला कि आप कोई भी मुझे बताना, तो किसी ने मुझे फिर कमेंट बॉक्स में किया, बताया कि वॉइस बहुत कम आ रही है। नहीं तो सब लोग देखते हैं, अगर पूरा ब्लॉग देखते भी नहीं है तो उन्होंने कुछ भी कमेंट नहीं किया, जस्ट हाय हेलो नाइस ऐसे करके चले जाते हैं। तो बस अभी फाइनली बाय, अभी बात नहीं करूँगी। पानी ना बैठ कर पीना चाहिए, मैं फिर से बात कर रही हूँ। गर्मी गर्मी पता मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, मेरी किचन में ऐसे छोड़ के चली गई थी गंदी सी, तो आते ही फटाफट मैंने शुरू कर दिया अपना काम। पानी भी पिया नहीं जाता है, इसको कवर कर देंगे बाद में पीएंगे।